आप जो शॉर्ट्स बनाते हो या बना रहे हो, क्या वो सच में वायरल हो भी रहा है? अगर वायरल हो भी रहा है तो क्या वो मोनेटाइज होगा भी या नहीं? क्यों आपके शॉर्ट्स पर 1-2 हजार व्यूज आकर रुक जाते हैं? एंड यूट्यूब शॉर्ट्स से आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, एडिटिंग कैसे करना है और शॉर्ट अपलोड करने का सही तरीका क्या है, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। आप इस चैनल को देखो, 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। आपको लग रहा होगा कि यार ये चैनल तो अच्छा खासा इनकम जनरेट करता होगा अपने शॉर्ट चैनल से, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्चुअल में ये चैनल मोनेटाइज तो है बट इनकम के नाम पर बिल्कुल जीरो। यही नहीं, और भी कई सारे चैनल्स के एग्जांपल्स हैं जिनके व्यूज और सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे आ जाते हैं बट रीयूज कंटेंट होने की वजह से मोनेटाइज नहीं हो पाते। इसलिए कह रहा हूँ, क्या हमें कॉपी पेस्ट शॉर्ट चैनल बनाना भी चाहिए या नहीं? अगर बनाना भी चाहिए तो कैसे बनाए जो यूट्यूब गाइडलाइंस के अंडर में हो, जिससे कि रीयूज कंटेंट भी ना आए और आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज भी हो जाए और आप अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर पाओ। इस वीडियो के एंड तक आपके पास फुल स्ट्रेटजी होगी अपना नेक्स्ट शॉर्ट वायरल करने का। मैटर नहीं करता कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या है, आपके पास यूट्यूब का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको चैट जीपीटी कैनवा और एआई से 30 मिनट में 300 वीडियो बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। यकीन मानो, ये सब मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। 99% ये सब कुछ काम नहीं आता, बस आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। बाई चांस आपके चैट जीपीटी कैनवा एआई वाले शॉर्ट पर 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो जाते हैं तो भी 99% आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब रीयूज कॉपीराइटेड और जिन वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूजिक या सॉन्ग चल रहे होते हैं, ऐसे टाइप के चैनल बहुत कम मोनेटाइज होते हैं। तो इतनी मेहनत बेकार करने से अच्छा है कि ये वीडियो पूरी देखो, ताकि आपका शॉर्ट चैनल वायरल भी हो और मोनेटाइज भी। और मेरा एम है आपके शॉर्ट पर एटलीस्ट 2 मिलियन प्लस व्यूज लाने का। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, ये कोई कॉपी पेस्ट ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है। एक्चुअल में वायरल शॉर्ट्स ऐसे बनाना होता है, फाइंडिंग द वीडियो आइडिया, राइटिंग द स्क्रिप्ट, एडिटिंग वॉइस ओवर, कैप्शन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट। लेकिन उससे भी पहले हमें जरूरत है एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने की। वैसे तो हम शॉर्ट्स कई घंटों तक रोज स्क्रॉल करते रहते हैं बट 2 दिन तक मैंने सीरियस रिसर्च की एंड हेयर इज वायरल शॉर्ट रेसिपी वीडियो आइडिया। ये मेरी पहली मिस्टेक थी और मोस्टली न्यू यूट्यूबर सेम मिस्टेक करते हैं बैड वीडियो आइडिया से। अगर आपके पास बैड वीडियो आइडिया है तो आपकी वीडियो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, चाहे आप जितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो, जितनी मर्जी अच्छी एडिटिंग भी कर लो। अगर आपके पास बैड वीडियो आइडिया है तो वीडियो वायरल होने के बहुत ही कम चांसेस होंगे। सो हाउ टू पिक अप अ किलर ट्रेंडी वीडियो आइडिया। दोस्तों पहला तरीका है गूगल ट्रेंड का यूज करो। सिंपल गूगल ट्रेंड पर जाओ। अब यहाँ पर आपको पहले ही शो हो जाएगा एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ। देन ट्रेंडिंग नाउ वाले ऑप्शन पर जाओ। अब आज की डेट में जो जो चीजें सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है वो सब आपके सामने आ जाएगा। अगर आप किसी और कंट्री का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंट्री चेंज कर देना। अब अगर आपके मतलब का कोई टॉपिक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब आपको और भी कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे। या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है तो एड सर्च टर्म जहाँ लिखा है वहाँ पर क्लिक करके टाइप कर दो। जैसे मेरा टॉपिक है हाउ एक्चुअली मेक वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स। मैंने सर्च किया यूट्यूब शॉर्ट्स। अब ग्राफ चेक करोगे तो ऑल टाइम सर्चिंग में है ये कीवर्ड। आप भी इसी तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढने का दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाओ और जहाँ पर आपका लोगो है उस पर क्लिक करके इनकॉग्निटो मोड ऑन कर देना। अब जिस भी टॉपिक पर ट्रेंडिंग शॉर्ट चाहिए टाइप करो और सर्च कर लो, लाइक ट्रेंडिंग शॉर्ट फैक्ट, या जिस भी टॉपिक पर सर्च करना चाहते हो सर्च कर लेना। अब आपके पास बहुत सारे ट्रेंडिंग शॉर्ट्स शो हो जाएंगे। उसके बाद लगाओ उस पर अपना तड़का और बना दो एक नई वीडियो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वायरल शॉर्ट रेसिपी की तरफ, जो है लॉन्गर स्क्रिप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शॉर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा 20 से 30 सेकंड या उससे भी कम। और यहीं पर होती है एक और सबसे बड़ी मिस्टेक। अब ये तो सबको पता होगा कि वीडियो वायरल करने के लिए ऑडियंस रिटेंशन का होना सबसे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन ऐसे में अगर आपका शॉर्ट सिर्फ 10-20 सेकंड का ही है तो फिर तो आपके शॉर्ट पर 100% रिटेंशन आ ही जाएगा। फिर क्यों आपके शॉर्ट पर 1-2 हजार व्यूज आकर रुक जाते हैं और क्यों बड़े क्रिएटर्स के सभी शॉर्ट्स वायरल होते रहते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना। जब यूट्यूब ने खुद शॉर्ट की टाइमिंग 60 सेकंड रखी है तो आप 10-20 सेकंड की वीडियो बनाओगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को कैसे समझ आएगा कि आपकी वीडियो अच्छी है या खराब? इसलिए एक टाइम बाद यूट्यूब सजेशन भेजना बंद कर देता है। और यही रीजन है कि आपके शॉर्ट पर 1-2 हजार व्यूज आने के बाद व्यूज बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। मिस्टर मीको, बॉबी प्रैंकस्टर या फिर जितने भी सक्सेसफुल शॉर्ट क्रिएटर हैं, उनके शॉर्ट को नोटिस करना, उन सभी के शॉर्ट की लेंथ 50 से 60 सेकंड के बीच में होती है, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने में आसानी हो जाती है कि वीडियो अच्छी है या खराब। उसके बाद ऑडियंस रिटेंशन, लाइक, कमेंट के बेस पर यूट्यूब आपके शॉर्ट को शॉर्ट फीड में ज्यादा से ज्यादा भेजता रहता है, जिससे आपके व्यूज के ग्राफ की लाइंस कभी फ्लैट नहीं रहते, व्यूज कंटिन्यूस आते रहते हैं। इसलिए आप
आपको भी अपनी स्क्रिप्ट की लेंथ 50-60 सेकंड के बीच में रखनी चाहिए। इससे आपका चैनल छपरी टाइप नहीं थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा। ओके, नेक्स्ट वायरल शॉर्ट रेसिपी स्ट्रॉन्ग इंट्रो। जैसे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में 30 सेकंड का इंट्रो बनाते हैं, वैसे ही शॉर्ट में 3 सेकंड का इंट्रो बनाना होता है। लाइक दीज चैनल्स। ये है 7 करोड़ रुपए की फ्यूचरिस्टिक स्पेशल कार। 5 ऐसे ट्रेंडिंग यूट्यूब चैनल आइडिया जिसमें ना ही आपको अपना फेस दिखाना है और ना ही अपनी आवाज सुनानी है। ये कैसा ऑनो कालू है, अगर आप इस साइड से चार्जर लगाओगे तो उस साइड से फोन चार्ज होगा। एंड यस, ये फेक है, बट वेट, साइंस कहता है कि ये वर्क करता है। हमें 3 सेकंड के इंट्रो में अगर आपका व्लॉग चैनल है तो बेस्ट क्लिप दिखा सकते हो, चैलेंजेस कर सकते हो या अपनी वीडियो का बेस्ट पार्ट स्टार्टिंग में शो कर सकते हो, जिससे कि ऑडियंस के मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जागे आपका शॉर्ट पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट इंट्रो की अपनी स्क्रिप्ट में कुछ इमोशंस ऐड करना, लाइक हैप्पीनेस, फियर, लाफ्टर, अचीवमेंट, मोटिवेशनल, कुछ भी, एंड लास्ट में उन सब का सॉल्यूशन बता दो। लाइक मिस्टर मीको की इस वीडियो को देखो। क्या तुमने पहले कभी अपने इरेजर को पूरा खत्म किया है? तो फिर सिर्फ आपके लिए तुम्हारा भाई ये इरेजर को पूरा खत्म करेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि एक इरेजर कितने पेजेस रफ कर सकता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मेरे पास एक भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर मैंने पेंसिल से लिखा हो, इसलिए मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर रद्दी वाले के पास गया और वहाँ पे मुझे ये पुरानी बुक लिटरली 5 रुपए में मिली। और अब टाइम आ गया है इस इरेजर को खत्म करने का। स्कूल में तो ये इरेजर नीचे गिरते ही पता नहीं कैसे गायब हो जाता था, पर इस बार तो इसको पूरा यूज करेंगे, फिर ही तो पता चलेगा कि ये इरेजर खत्म होने पे कैसा दिखता है। गाइस ये देखो, एक यूज्ड इरेजर। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, फर्स्ट लाइन में ही मिस्टर मीको ने चैलेंज ले लिया इरेजर पूरा खत्म करने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने इमोशन ऐड किया, प्रॉब्लम कि मेरे पास तो ऐसी कोई बुक ही नहीं है जिसमें मैंने पेंसिल से लिखा हो, एंड जस्ट इस प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन भी करके दिखाया। देन उसके बाद थोड़ी स्टोरी टेलिंग एंड इन सब के बाद वीडियो के एंड में रिजल्ट शो कर दिया। तो अपनी स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करना मतलब ऑडियंस को ज्यादा देर तक वीडियो पर रोकना। वैसे मीको भाई एक बात बताओ, हम लोग मैंने कॉपी पर लिखते हैं यार। भाई लोगों, अगर आप अभी तक अपने शॉर्ट पर सिर्फ सॉन्ग या म्यूजिक ऐड कर रहे हो तो अब से वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वीडियो वायरल होने के लिए सिर्फ वीडियो ही मैटर नहीं करती, वॉइस भी उतना ही मैटर करती है जितना कि वीडियो। एंड वॉइस ओवर करने से ऑडियंस को वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। जब वीडियो अच्छे से समझ आएगी तो ऑडियंस रिटेंशन अपने आप ही बढ़ जाएगा, एंड वॉइस ओवर करने से कॉपीराइट का भी खतरा कम हो जाता है। अब अगर आप खुद से वॉइस ओवर करना चाहते हो तो उठाओ माइक और शुरू हो जाओ, नहीं तो AI के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनमें से ट्राई कर सकते हो। अगर AI से वॉइस जनरेट करना चाहते हो तो 11 लैब्स ट्राई करना बेस्ट टूल है। सिंपल अपनी स्क्रिप्ट पेश करो और कुछ ही सेकंड में आपकी ऑडियो रेडी हो जाएगी। बट इसी वॉइस को और नेक्स्ट लेवल करना हो तो स्क्रिप्ट में फुल स्टॉप, कॉमा, स्पेसिंग वगैरह ठीक से यूज करना और अच्छे टोन में वॉइस जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट वायरल रेसिपी एडिटिंग। आपके पास जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ओपन कर लो, सभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आप वहां से रिकॉर्डिंग करो या किसी और ऐप से। अब अगर कहीं और से वॉइस रिकॉर्ड किए तो सिंपल वॉइस रिकॉर्डिंग अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करो और जो अननेसेसरी पार्ट्स और पॉजेस हैं उन्हें कट करके सेट कर लो, कुछ इस तरीके से। अब अगला काम है अपनी वीडियो के लिए फुटेज ढूंढना। सिंपल आपका जो भी टॉपिक है YouTube पर सर्च करो और डाउनलोड कर लो। अगर आपको और वीडियो या फोटोज चाहिए तो पिक्सेल या पिक्साबे मिक्स किट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने वॉइस ओवर के हिसाब से वीडियोस और फोटोज ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपको रफ कट्स नहीं लगाना है, सभी इमेजेस और वीडियोस को फ्रेम के हिसाब से रिसाइज कर दो, कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो की फ्रेम के थ्रू भी जूम इन आउट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जूम करके फ्रेम के हिसाब से क्लिप्स सेट कर लो। और जो की फ्रेम के थ्रू जूम इन आउट एनिमेशन बनाया है उसे और स्मूथ बनाने के लिए की फ्रेम के साइड में एक ऑप्शन और है, इस पर क्लिक करके अपने एनिमेशन को और ज्यादा बेटर स्मूथ कर सकते हो। नेक्स्ट एडिटिंग रेसिपी, कैप्शन। आपको यूट्यूब पर एक भी सिंगल शॉट बिना कैप्शन के नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मैजिक टूल व्यूअर का रिटेंशन बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर नॉइजेस बहुत ज्यादा आती रहती है, तो उस केस में व्यूअर्स कैप्शन के थ्रू आपकी वीडियो समझ लेता है, इसलिए कई बार कैप्शन रिटेंशन बढ़ाने के लिए बहुत मैटर करता है। नाउ ऑलमोस्ट डन, बट समथिंग इज मिसिंग, साउंड इफेक्ट। वैसे तो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग साउंड इफेक्ट यूज होते हैं, आपने पहले यूज नहीं किया है और सोच रहे हैं कहां से स्टार्ट करो, तो फ्री साउंड इफेक्ट पैक फॉर यूट्यूब सर्च करना, बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आखिर में अपनी वीडियो एडिट
करने के बाद बारी आती है बैकग्राउंड म्यूजिक की। अब म्यूजिक आप चाहे तो यूट्यूब लाइब्रेरी से भी यूज कर सकते हो या फिर mixkit.com से बहुत सारे म्यूजिक मिलेंगे, वहां से डाउनलोड करके ऐड कर लेना। एंड म्यूजिक की वॉल्यूम ज्यादा लाउड मत रखना वरना कमेंट में सुनने को भी मिल सकता है। सब कुछ होने के बाद अब एक्सपोर्ट कर लो। अब मैंने जो आपको बोला था कि कॉपीराइट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जिसकी भी वीडियो यूट्यूब या कहीं और से डाउनलोड करके अपलोड करते हो उस वीडियो को डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है। सबसे पहले वीडियो को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट करके उसकी वॉल्यूम जीरो कर दो एंड उसके बाद उस वीडियो के ऊपर खुद की वॉइस ओवर एड कर दो। सिंपल, बट जो वीडियो है उसे पूरी की पूरी यूज नहीं करना है वरना वीडियो पर भी कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए हर 3-4 सेकंड के बाद कट्स लगाओ और 1-2 सेकंड की दूसरी क्लिप का यूज करो एंड फिर से 5-7 सेकंड के बाद दूसरी क्लिप या फोटो का यूज करो। इसी तरीके से पूरी वीडियो पर कट्स लगा लेना, उसके बाद ना ही कॉपीराइट आएगा, ना ही रीयूज कंटेंट और ना ही कोई स्ट्राइक। नाउ फाइनली आपका वायरल शॉर्ट अपलोड होने के लिए तैयार है। बट आपको शॉर्ट अपलोड करने का सही तरीका पता है क्या? नहीं पता तो समझ लो। पहली कंडीशन है, शॉर्ट अपलोड होने के बाद आपको तुरंत पब्लिश नहीं करना होता। शॉर्ट को अनलिस्टेड पर करके अपलोड करना और 2-3 घंटे बाद ही पब्लिश करना। चांसेस ज्यादा होंगे कि आपका शॉर्ट शॉर्ट फीड में चला जाएगा। बट सिर्फ शॉर्ट फीड में जाने से शॉर्ट वायरल नहीं होगा, उसके लिए छोटा और अट्रैक्टिव टाइटल भी चाहिए होगा। तो टाइटल में जो आपने गूगल ट्रेंड में सर्च किया था उन्हीं कीवर्ड्स को मिलाकर टाइटल रखना ताकि आपका टाइटल सर्चिंग में भी आए। एंड उसके बाद टॉपिक के हिसाब से 2 या 3 मैक्सिमम हैशटैग, उसके बाद 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख लेना टॉपिक के हिसाब से और टैग्स भी लगा लेना। कई लोग कहते हैं शॉर्ट पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स काम नहीं करते, बट ये सब वर्क करता है। किसी और वीडियो में समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब 2-3 घंटे बाद अपलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो टाइटल एंड हैशटैग लगाए हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने में आसानी हो जाती है एंड हैशटैग के बेस पर फिर वो आगे ऑडियंस को सजेस्ट करता है और जो सब्सक्राइबर हैं उनके शॉर्ट फीड में जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आता है कि शॉर्ट से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, हो सके तो फेस कैम वीडियोस बनाओ क्योंकि फेस से आपके चैनल की वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी और अच्छी कंपनीज के स्पॉन्सर्स मिलेंगे, वहीं से होती है अच्छी और मोटी इनकम। डोंट वरी, अगर फेस कैम वीडियोस नहीं बना सकते तो फेसलेस वीडियोस ही बनाओ, बट कॉपीराइटेड कॉपी पेस्ट नहीं, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी लगा के वीडियोस बनाओ वरना ना ही अच्छे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ना ही चैनल मोनेटाइज होगा और ना ही आपके चैनल की कोई वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, अगर आप यूट्यूब चलाना सीखने के लिए अपलोड कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो अपलोड, थोड़ा आपको भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा यूट्यूब का। बट आप सोच रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो जो बताया है ट्राई करके देखना। ओके, अब अगर वीडियो अपलोड होने के बाद फिर भी व्यूज नहीं आते तो परेशान होने की कोई बात नहीं क्योंकि आपको वायरल और मोनेटाइजेबल शॉर्ट बनाने का पूरा रोड मैप मिल चुका है। बहुत लोग पूछते हैं यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सबसे बड़ी चीज पेशेंस। इसके अलावा यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है। आई होप कि आपको शॉर्ट बनाने का सही तरीका पता चल चुका है, तो कंटिन्यू करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड सॉरी दोस्तों, वीडियो काफी लेट आया बट अब कोशिश रहेगी वीडियोस कंटिन्यूस आए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। Have a nice day.